क्या हालचाल है दोस्तों, ये है पोको M3 और इसके कैमरा के फीचर्स इतने ज़्यादा अमेजिंग है कि हमारा दिमाग एकदम ख़राब हो गया। मतलब इतने ज़्यादा फीचर्स मैंने सच में किसी फ़ोन में पहले नहीं देखे। वैसे रियलमी वगैरह कहीं फ़ोन्स मैंने पहले यूज़ किए हैं और उसमें इतने ज़्यादा फीचर्स देखने को नहीं मिलता। वैसे तो 48 मेगापिक्सल का कैमरा इधर भी है और सामने नार्जो 20 से वीडियो भी बनी उसमें भी 48 मेगापिक्सल का कैमरा, लेकिन इसमें फीचर्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधा आप लोगों को मैं बताता हूँ कि क्या क्या फीचर्स मिले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरे बारे में आपको जानना ज़रूरी है। मेरा नाम है उत्पल, अब समय हो चुका है वीडियो को स्टार्ट करने का, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को कैमरा में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। देख लो यार, ये है पोको M3 और इसके कैमरा में जो चीज़ें हैं वो दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर एक प्रो मोड मिलता है जिससे आप लोग फोटोज़ भी क्लिक कर सकते हो और साथ साथ वीडियोज़ भी कर सकते हो। उसके बाद एक नॉर्मल वीडियो का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप लोग इस पर क्लिक करके स्विच भी कर सकते हो। फोटोज़ है जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊँगा और कुछ सैम्पल्स भी लिए हैं वो भी आप लोग दिखाऊँगा और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग फीचर्स है दोस्तों, तो आप लोग थोड़ा वेट करो। ये रहा पोर्ट्रेट, यहाँ से आप लोग पोर्ट्रेट शॉट ले सकते हो और ये रहा नाइट मोड। अब देखो दोस्तों, अब मैं आपको शुरू करता हूँ सबसे पहले फ़ोटोज़ से। फोटोज़ में आपको ऊपर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल जाती है। ये है फ्लैश, ये है HDR, ये है AI सीन रिकॉग्नाइजेशन। आप लोग इसे ऑन कर दो तो मान लीजिए किसी हरियाली का आप लोग अगर फोटो लेते हो, मतलब कि हरी भरी जो चीज़ें होती हैं जैसे कोई जंगल वंगल वगैरह इस टाइप की चीज़ें, फूल वगैरह, तो वो ये खुद से डिटेक्ट कर लेगा, या फिर फूड वगैरह के लेते हो तो वो भी कर लेगा। उसके बाद यहाँ पर एक फ़िल्टर वाला ऑप्शन मिलता है और फ़िल्टर्स काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है दोस्तों। मतलब सच में इतने ज़्यादा अमेजिंग फ़िल्टर्स मुझे शायद पहले कभी देखने को मिले ही नहीं। यहाँ पर आप लोग क्लिक करके देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा, मैं ये रख के भी दिखा देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग फ़िल्टर्स है जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर एक ब्यूटी का ऑप्शन भी मिल जाता है, मतलब इस पर क्लिक करने के बाद ब्यूटी फ़िल्टर्स दोनों चीज़ें मिल जाती है। ब्यूटी जो है वो आप लोग ज़्यादा करोगे तो सच में जो चेंज है वो आप लोगों को दिखेगा, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि ब्यूटी से ऐसे करने पर चेंज किस तरीके से दिखता है, क्योंकि अभी शायद आप लोगों को ये नहीं दिख रहा होगा क्योंकि अभी कैमरे के अंदर कैमरा और उसके आगे ये सामान रखा हुआ है, तो इस वजह से आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा हो, तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिए। तो ये तो आपने देख लिया, फ़िल्टर्स वगैरह नॉर्मल पे कर देते हैं, ब्यूटी भी अपना हिसाब से आप लोगों को, यहाँ पे 30 रखोगे तो नॉर्मल ठीक रहेगा, बाकी ऊपर नीचे आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर गूगल लेंस मिल जाता है तो वो तो अभी नहीं बताएंगे क्योंकि वो अलग चीज़ है। उसके बाद यहाँ 3 डॉट्स जो थे उस पर क्लिक किया हमने और ये चीज़ आ गई हमारे पास। यहाँ पर आपको दिख जाता है एक सेटिंग्स, सेटिंग्स में जाओ दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। एक चीज़ ध्यान देना, हम लोग यहाँ पर अभी इस फ़ोटोज़ में हैं और फिर सेटिंग्स में गए हैं, तो ये फ़ोटोज़ की सेटिंग्स खुल जाएगी। यहाँ पर आपको वाटरमार्क ऑफ है, चाहो तो ऑन कर सकते हो, ऐड टाइम वगैरह सभी चीज़ें आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद नोटिफाई ओरिएंटेशन अबाउट वो आप लोग देख सकते हो। पिक्चर क्वालिटी को आप लोग हमेशा हाई पर रखना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप लोग हाई पर पिक्चर क्वालिटी रखने वाले हो। यहाँ पर आप लोग फिर देख लो, यहाँ पर फोकस एंड शूट को आप लोग ऐसे ही छोड़ देना, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि मैंने करके देखा है कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर वॉल्यूम शटर अपना काउंटडाउन से हटा के नॉर्मल सीधे शटर कर लेना, मैंने काउंटडाउन रखा हुआ था पता नहीं क्यों। उसका प्रेस एंड होल्ड फॉर शटर बटन रिकॉर्ड कर लेना, मतलब कि एक जो बटन मिलता है उस पर आप लोग थोड़ी देर क्लिक किए रहोगे तो वो वीडियो शुरू हो जाएगी रिकॉर्ड होना, वो चीज़ थी ये। चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कस्टमाइज़ पर जाओ दोस्तों, कस्टमाइज़ पर जैसे ही जाओगे आप लोग बहुत ही अमेजिंग सी एक चीज़ देखने को मिलने वाली है। दोस्तों ये लाल वाला बैकग्राउंड हमने हटा दिया है क्योंकि आप लोगों को शायद स्क्रीन पर की चीज़ें अच्छे से नहीं दिख रही थी, तो ठीक है। अब मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ, यहाँ कस्टमाइज़ पर आने के बाद आप लोग देख लो फीचर्स लेआउट काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाती है। सबसे पहले मैं आपको साउंड दिखाता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, जो कि होनी चाहिए, मतलब जो क्लिक करने का जो शटर साउंड आता है वो कैसा होगा, तो अपने हिसाब से जो चाहो मॉडर्न रेट्रो फिल्म जो चाहो कर सकते हो, रेट्रो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा मेरे लिए, आपको जो चाहे आप लोग वो कर सकते हो। कलर्स में चाहो, कलर्स में क्या है दोस्तों, कलर्स में ये जो यहाँ लिखा रहता है आप लोगों पे AI किस कलर से लिखा जाएगा, ये सभी चीज़ें जो यहाँ पर कलर्स है वो सभी जो चीज़ें हैं वो कैसे लिखा जाए, तो वो आप लोग यहाँ पे कलर्स पर करके अप्लाई करके कर सकते हो। वैसे पीला वाला ही ठीक है क्योंकि फ़ोन भी अपना पीला है, सभी चीज़ें पीले पीले। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कैमरा मोड के, तो कैमरा मोड में चले जाना और यहाँ पर मोर पैनल मोर टैब जो चाहो आप लोग कर सकते हो। मोर का जो होता है ना आप लोग इस पर कर दो और उसके बाद आप लोगों को क्या देखने को मिल जाएगा, आप लोगों को यहाँ पर मोर एक टैब ही देखने को मिल जाएगा। और नहीं तो अगर वैसे कहिए रहता तो आपको क्या करना रहता है कि ऊपर, मतलब कहाँ गया भाई, हाँ आ नहीं यार यार, हाँ तो ऐसे करते तो आपको दिखता, लेकिन ये टैब वाला ही ज़्यादा अच्छा रहता। तो
फिर से चले जाते हैं दोस्तों सेटिंग्स में। सेटिंग्स में कोई चीज़ नहीं छूट गई, यहाँ पर एंटी बैंडिंग को 50 ही रहने देना, शटर साउंड बाकी चीज़ें अगर कुछ गड़बड़ी कर ली तो रिस्टोर टू डिफॉल्ट सेटिंग कर लेना अपने हिसाब से, उसके बाद बैक आ जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ अगली चीज़ जो कि आपको सिर्फ इस 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। एक है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस तब काम आती है जब आपको एकदम अलाइंड फोटो खींचनी हो, मतलब कि अभी शायद हाँ अब अच्छे से दिखेगा आप लोगों को, हाँ इस टाइप से अगर आपको एकदम अलाइंड फ़ोटो की हाँ ये सीधा हो ये टेढ़ा ना हो, इस टाइप से ग्रिड हेल्प कर देता है। तो ग्रिड आप लोग चाहो तो ऑन कर सकते हो। मूवी फ्रेम यानी कि अगर मूवी वाले फ्रेम लगा के आपको फ़ोटोज़ क्लिक करनी है तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन फालतू है ये तो टट्टी है, मुझे तो इसकी कोई ज़रूरत लगी ही नहीं। टाइम बस्ट चाहो तो कर सकते हो। प्रो कलर्स में क्या हो जाएगा कि दोस्तों सैचुरेशन जो होती है दिखना, सैचुरेशन थोड़ी बढ़ जाएगी। आप लोगों को अभी लग रहा होगा, देखो अभी नॉर्मल ये कैमरा से हमारी हाथ है, ये इसके थ्रू सैचुरेशन थोड़ी बढ़ गई है, तो प्रो कलर्स का भी यूज़ कर सकते हो। मैक्रो अगर आप लोग कर दोगे तो एकदम मतलब नज़दीक से जो आप लोग लोगे, मतलब फोकसिंग लेंथ जो होती है कैमरा की वो एकदम अच्छी हो जाएगी, मतलब काफ़ी ठीक लग रहा है। आप लोग को भी अच्छे से दिख रहा है कैमरा के अंदर, कैमरा बाहर से भी सारी चीज़ें अच्छे से दिख रही है, बस थोड़ा सा इसमें लाइट वगैरह की कमी है, थोड़ा सा लाइट बढ़ा ही देते हैं आप शायद अच्छा है। तो अब दोस्तों अगली चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं, ये है टिल्ट शिफ्ट। हाँ टिल्ट शिफ्ट से देखो दोस्तों, टिल्ट शिफ्ट में मैक्रो हटा देते हैं सबसे पहले। तो टिल्ट शिफ्ट में आपको एक चीज़ देख लो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग जैसे इधर इधर ऐसे ऐसे करोगे तो ये आपका एक जो वाइट वाला जो एरिया होता है ना वैसे हो जाएगा, मतलब बन जाएगा कुछ एक सिनेमेटिक टाइप नहीं होता है वैसा बन जाएगा। उसके बाद ऐसे कर लेना, उसके बाद एक फ़ोटो क्लिक कर लेना। यहाँ पर आपको यहाँ लाइंस और सर्किल दोनों चीज़ों में ये चीज़ देखने को मिल जाती है, मतलब ये आप लोग देख लो खुद से, ये जो धुआं धुआं आ जा रहा है ना ये सर्किल में भी आ सकता है और लाइंस में भी आ सकता है। फ्रंट कैमरा में भी सारी चीज़ें वही है और यहाँ पर AI आप लोग क्लिक कर दो तो AI स्क्रीन रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगा। HDR वगैरह फ्लैश वगैरह आप लोग यहाँ पर सभी चीज़ें समझ पाओगे, पोर्ट्रेट भी कर सकते हो। ये एक आप लोगों को दिख रहा होगा ये होता है कि कितना ब्लर बैकग्राउंड में आएगा, यहाँ पर आप लोगों को एक स्क्रीन पर लिखने वाला यहाँ पर एक नज़र आ रहा होगा, शायद नहीं आ रहा और दिख जा भाई, हाँ यहाँ पर दिख रहा है ना F करके, ये जो होता है ये आप लोगों को कितना जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा ब्लर बैकग्राउंड में आएगा, तो आप लोगों को इसे कम करना है। ऊपर में सबसे कम रहेगा और उतना ही ज़्यादा बैकग्राउंड में ब्लर आएगा। व्यू फाइंडर में यहाँ पर ब्लर नहीं दिखेगा, वो बाद में अपने आप हो जाएगा। ये चीज़ बहुत ही अच्छी है कि इतना अगर मान लीजिए कि कैमरा में पावर नहीं भी है तो भी इसके AI में इतना दम है कि ये पीछे से बाद में लगा लेगा। तो यहाँ से पोर्ट्रेट आप लोग इस तरीके से कर सकते हो, मोर वगैरह बाकी शॉट्स वही रहने वाले हैं, बैक हो जाता है पूरा, काफ़ी गड़बड़ चीज़ है। उसके बाद फ़ोटो वगैरह वीडियो आप लोग ले सकते हो, वीडियो भी प्रो मोड में ले सकते हो, लेकिन शायद फ्रंट से वीडियो नहीं आएगी प्रो में। ओके तो फ्रंट से प्रो में वीडियो नहीं आएगी। ये देखो दोस्तों ये है एक फ़ोटो जो कि मैंने इसका फ्रंट से ली है पोर्ट्रेट मोड में। पोर्ट्रेट मोड में एक चीज़ आपको बहुत ही अमेजिंग देखने को मिल जाएगा, आप लोग फोटो पर क्लिक करो और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को वही वाला सिंबल देखने को मिल जाएगा, यानी कि फ़ोटो लेने के बाद भी आप लोग पीछे का बैकग्राउंड को कितना ब्लर करना है नहीं करना है वो सभी चीज़ें आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पर देख लो यार सबसे कम है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम ब्लर हो सकता था वो अभी दिया हुआ है। अगर हम लोग इसे कम कर दे तो पीछे का सारा माल मसाला दिख जाता है, और बाकी कम कर दे तो ये अच्छे तरीके से करता है। और देखो काफ़ी अच्छी डिटेलिंग आप लोगों को देखने को मिल रही है, मतलब हर एक शोल्डर हेयर काफ़ी अच्छी डिटेलिंग है जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कहने लायक है, हाँ अच्छी है। उसके बाद देखो यहाँ पर स्टूडियो लाइट्स जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि आपको कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मस्त मस्त एडिटिंग हो जाएगी। सिर्फ एक बार क्लिक करो और ख़ुद देखो यार कितना अच्छा हो गया, यहाँ पर ऐसे 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 काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप लोग खुद से कर सकते हो। मुझे पर्सनली ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा थोड़ा, बाकी लोगों की अपनी चॉइस होती है। बाकी अब हम लोग बैक आ जाते हैं और आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये भी एक पोर्ट्रेट शॉट ही है, फ्रंट से लिया हुआ क्योंकि थोड़ा मज़ा आ गया था। ये बिना पोर्ट्रेट का नॉर्मल फ़ोटो है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर हमारा जो स्किन टोन आया वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक ये जो शॉट लिया गया ये भी पोर्ट्रेट में है, ये थोड़ा आउटडोर में है और वो वाला थोड़ा इनडोर में था यार। ओके अब देखो यार ये जो फ़ोटो है ये थोड़ा ब्यूटी मोड को ऑन करके ली गई है, तो फेस को थोड़ा सा ज़्यादा उजला कर दिया है, रेड नहीं किया। ये ब्यूटी मोड ऑफ करके थोड़ा सा बकवास लग रहा है, ये और भी बकवास लग रहा है क्योंकि इसमें ब्यूटी मोड को और कम कर दिया था मैंने, और ये रहा ब्यूटी मोड जो डिफ़ॉल्ट था उससे लिया था मैंने। अब रेयर कैमरा पे आता है दोस्तों, रेयर कैमरा पे ये एक फ़ोटो हमने ले लिया जो है पोर्ट्रेट मोड से काफ़ी अच्छी, यहाँ पर आप लोगों को डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी, साइड साइड से ब्लर पत्ता वगैरह काफ़ी अच्छा से दिख रहा है। ये भी वही फ़ोटो है, सिर्फ थोड़ा सा हमने अलग एंगल लेके देखा,
ये देखो दोस्तों, ये है फोटो, इसके रेयर कैमरा से हमने ली है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिटेलिंग है। ये जो डंटी का रोए हैं वो सभी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जा रही हैं। उसके बाद यार यहाँ पर भी आप लोग देख लो, ये एक पोर्ट्रेट शॉट है। यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पर पोर्ट्रेट वगैरह हुआ हुआ है। पोर्ट्रेट वगैरह मैं अगर कहूँ तो इतना डिटेल में नहीं ले पा रहा है, क्योंकि मैंने सिर्फ कोशिश की थी पत्ते के लेने की, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं। लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि इधर काफ़ी घचर पचर है, जो पोर्ट्रेट लेने में दिक्कत कर देता है एक कैमरा को, तो हो सकता है दिक्कत। अब देखो यार, ये थोड़ा जूम करके हमने रेयर कैमरा से लिया था, काफ़ी अच्छी डिटेलिंग इसमें भी आ गई है। और ये देखो, ये जो फोटो है ये रेयर कैमरा से सीधे हमने लिया और काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिटेलिंग आई है, आप लोग यहाँ पर देख लो। उसके बाद ये देखो, ये है हमारा पोर्ट्रेट शॉट, काफ़ी मज़ेदार है। और ये नॉर्मल शॉट हमने एक और ले लिया है। यहाँ पर आप लोग देख लो दोस्तों, यहाँ पर भी हमने ये जो पोर्ट्रेट है इसमें हम लोग वही सारी चीज़ें कर पाएंगे, बस यहाँ पर हमें वो स्टूडियो लाइट्स का ऑप्शन नहीं मिलता है, जो कि काफ़ी ख़राब है। क्योंकि पता नहीं यार, लोग तो रेयर कैमरा से भी अपना फ़ोटो क्लिक कर सकते या फिर करवा सकते, सॉरी कर नहीं सकते, तो यहाँ पर भी आप लोग इसे कंट्रोल कर सकते हो। और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें और भी हो सकती है, जितना मुझे पता चला मैंने बता दिया। अगर कुछ मिस हो गया तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। आप लोगों को मैं इस पोको M3 के व्यू फाइंडर से कैसा व्यू मिलता है वो भी मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूं। अब ये देखो दोस्तों, ये है इसके रेयर कैमरा का व्यू फाइंडर, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। और यहां पर आप लोग एक चीज़ देखो, ये जो पत्तियों के पीछे जो ब्लर आया बिना किसी पोर्ट्रेट मोड के, वो भी काफ़ी ज़्यादा सही है, जो कि बताता है कि इसका व्यू फाइंडर कितना ज़्यादा मस्त है। अब दोस्तों, ये है इसके फ्रंट कैमरा का व्यू फाइंडर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैं फ़िल्टर्स चेंज करके देख रहा हूँ और व्यू फाइंडर बहुत ही अच्छी तरीके से फ़िल्टर्स को दिखा रहा है। काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आएगा, क्योंकि आप लोग जब फ़िल्टर्स चेंज करोगे तो आप लोग व्यू फाइंडर्स में एकदम अच्छे तरीके से देख पाओगे कि किस तरीके से चेंज हो रहा है। यहाँ पर आपको एक ब्यूटी भी देखने को मिलता है और ये भी बहुत अच्छा है व्यू फाइंडर। यहाँ पर भी ब्यूटी मोड को ज़्यादा करने पर व्यू फाइंडर में वो डिटेक्ट हो जा रहा है कि हाँ, ब्यूटी ज़्यादा हो गई है, ब्यूटी कम हो गई है। फेस कभी ज़्यादा ग्लो करने लग रहा है और कभी कम ग्लो करने लग रहा है, जो कि फिर से बताता है कि व्यू फाइंडर बहुत ज़्यादा अच्छा है फ्रंट कैमरा में भी। अब दोस्तों, आप लोग वीडियो सैंपल्स देख लो क्या है कैसे हैं। अब दोस्तों, हमने इस पोको M3 के रेयर कैमरा को खोल लिया और उससे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं एकदम। यहाँ पर देख लो, कोई माइक वाइक वगैरह हमने नहीं लगाया, सारी जो ऑडियो आपको आ रही है वो एकदम ओरिजिनल इसी का जो माइक होता है उसी से आ रही होगी। ऑडियो ऑडियो आप लोग वगैरह देख सकते हो, बाकी मैंने हाथ में किस तरीके से पकड़ा हुआ है उस हिसाब से भी आप लोगों को ऑडियो में ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि माइक इधर उधर है और हाथ से दब जाने के कारण माइक में थोड़ी मोटी दिक्कत हो जाती है। बाकी आप लोग वीडियो क्वालिटी आप लोग देख सकते हो, खुद से देख लेना, मुझे तो अभी दिख नहीं रही है कैसी है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो फ्रंट कैमरा वो कैसा है। ये वाली जो दोस्तों वीडियो है, ये है पोको M2 के फ्रंट कैमरा से बिना किसी माइक के। देख लो, अभी माइक वाइक सब इसी में लगा हुआ है और बिना किसी माइक के अपना नॉर्मली जो फ्रंट कैमरा होता है उसी से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आप लोग ऑडियो क्वालिटी वीडियो क्वालिटी सब कुछ देख ही सकते हो, मेरे हिसाब से काफी अच्छा है ये फ्रंट कैमरा भी। तो कैसी लगी ये वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, पसंद आई हो तो लाइक कर देना। और अगर अभी तक चैनल पर नए हो और उसे सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो क्या कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब, उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके ग्रे कर देना। और अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।